तैयारियां हुआ बाहर तो बिग बॉस से भिड़ गए अल्बेस यादव। बोले, हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को बाहर करने की। कटारिया को मिला था सबसे ज्यादा वोट, फिर भी कैसे बिग बॉस से हो गया बाहर। क्या अल्बेस की दोस्ती ले डूबी कटारिया को, या बिग बॉस खुद का रहा कोई गड़बड़ घोटाला। पब्लिक ने भी लगा दी बिग बॉस की क्लास। लोग बोले, ऐसे अपनी मर्जी से सबको निकाल दोगे बाहर, फिर क्या मतलब गेम का, बंद करो सब। बिग बॉस का पहिया पंक्चर हो गया, कटारिया शिवानी जैसे हुए बाहर तो पब्लिक ने फोड़ दिया बिग बॉस का भांडा। अल्बेस ने तो दे डाली खुली चुनौती, बोला दोस्त को बाहर करने की हिम्मत कैसी हो गई, सब धांधली चल रही है, जनता का कोई रोल नहीं, मेकर्स जिसे मन में आए उसे बाहर कर रहे हैं, बंद करो ये नौटंकी। इतना ही नहीं, शिवानी के फैंस भी काफी ज्यादा गुस्से में है और बिग बॉस का वॉयकआउट कर रहे हैं। बता दें बिग बॉस के फिनाले को मात्र 2 दिन का समय बाकी रह गया है, लेकिन उससे पहले ही कुछ ऐसे कंटेस्टेंट्स को बाहर कर दिया गया जिसके जीत के चांस सबसे ज्यादा थे, जिसमें सबसे पहला नाम शिवानी कुमारी और लव कटारिया का शामिल था और पब्लिक द्वारा अच्छा खासा वोट भी इनको मिल रहा था। लेकिन फिनाले से पहले ही बिग बॉस ने इन दोनों के साथ धोखा कर दिया। मतलब ये कि जब ये जीत की कगार पर थे तब मेकर्स ने पब्लिक द्वारा दी जाने वाली वोटिंग को बंद कर दिया और पूरे जिम्मेदारी खुद के हाथों में और घर वालों के हाथों में सौंप दी। और शिवानी को तो वैसे भी घर वाले पसंद नहीं कर रहे थे, तो हुआ ये कि अनिल कपूर साहब ने अपनी मर्जी से इन दोनों को बाहर कर दिया। पहले शिवानी कुमारी, उसके बाद अल्बेस के दोस्त कटारिया को भी बाहर कर दिया। पर जैसे ही कटारिया बिग बॉस से बाहर हुए, अल्बेस का गुस्सा फूटने लगा और उसने जमकर बिग बॉस को खरी खोटी सुना दी, साथ ही धांधली और मनमानी करने का भी आरोप लगाया। बता दें बिग बॉस OTT 3 जब से शुरू हुआ फैंस को सरप्राइज कर रहा है, हर हफ्ते कुछ ऐसा हो जाता है जिसे देख फैंस शॉक्ड हैं। अभी तक जितने भी एविक्शन हुए वो दर्शकों को झटका दे रहे हैं। वहीं अब तक का सबसे ट्विस्टेड एपिसोड जल्द देखने को मिलने वाला है, जिसे अब तक बिग बॉस OTT 3 का विनर समझा जा रहा था, उसे एक झटके में ही घर से बेघर कर दिया गया। अब लवकेश कटारिया के एविक्शन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ अल्बेस और उनकी आर्मी बिग बॉस पर आरोप लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ फैंस भी लव के शो से बाहर होने पर मेकर्स से खफा हो गए हैं। लवकेश के एविक्शन से बिग बॉस का डर्टी गेम एक्सपोज हो गया है, मेकर्स क्या साजिश रच रहे हैं अब इसका खुलासा भी हो गया है। बता दें एलिमिनेशन की प्रोसेस पहले से ही फिक्स थी और सब कुछ पहले से ही तय था। मेकर्स ट्रॉफी किसे देना चाहते हैं, लगता है वो पहले से ही इस बारे में विचार कर चुके हैं। वैसे भी इस बार ऑडियंस के हाथ में गेम नजर नहीं आ रहा, वोटर्स के दिमाग और उनकी भावनाओं के साथ मेकर्स ने खेलवाड़ किया है। आर्मी जहां लवकेश को गेम जिताने की पूरी तैयारी में थी, वहीं उनके एलिमिनेशन की पावर्स मेकर्स ने घर वालों के हाथ में दे दी। ऐसे में शो के सबसे मजबूत कंटेस्टेंट्स को घर से एक और झटका लगा और उन्हें उखाड़ कर बाहर फेंक दिया गया, यानी बिग बॉस पर पार्शियलिटी का आरोप भी नहीं लगा और उनका काम भी हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं उनका असली गेम कब पकड़ा गया, जब मेकर्स ने वोटर्स के दिमाग के साथ खेलना शुरू कर दिया और उन्होंने अपना सवाल बदल दिया। पहले मेकर्स लोगों से उन्हें वोट करने के लिए कहते थे जिन्हें वो बचाना चाहते हैं, हालांकि इस बार उन्होंने सवाल पूछा कि किसे आप अंदर देखना चाहते हैं। ऐसे में जो लोग लव को जिताने के लिए वोट कर रहे थे वो धोखा खाकर गलती से बिग बॉस के झांसे में आ गए। वहीं अब अल्बेस यादव ने भी शो के मेकर्स पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि मेकर्स ने लवकेश को इवेक्ट करने की साजिश रची थी। अपने ब्लॉग में यूट्यूबर ने कटारिया से वीडियो कॉल की और कहा कि देख वोटों से नहीं निकाल पाए तो कैसे निकाला। खैर, अब इसी हफ्ते फिनाले होना है, देखने वाली बात होगी कि विजेता कौन बनता है, ट्रॉफी किसे मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट।